like a bell cut. हेलो फ्रेंड्स, दस रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको करेले की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। तो इस प्रकार मैंने करेले धो लिए हैं। इस तरीके से मैं काट के थाली की सहायता से इनको छिल लूँगी। आप चाहो तो चाकू की सहायता से भी छिलके हटा सकते हो। फिर इसके बाद है ना, हम चाकू की सहायता से इसके अंदर कट लगा के इस तरीके से, और फिर इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो हम पूरे बाहर निकाल लेंगे। तो अगर ऐसे नहीं निकले तो आप अंगूठे से भी निकाल सकते हो, क्योंकि चाकू से इसके ना कट ज़्यादा लग जाएंगे। तो इस तरह मैंने ना सारे छिलकों को छिल के इस तरीके से निकाल लिए हैं। तो आप भी इस तरीके निकाल लें। तो अब गैस ऑन करके थोड़ा सा हम गर्म पानी करेंगे। तो मैंने भगोने में रख दिया है। एक प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी, एक तड़के के लिए रख दूंगी। अब मैंने जो छिलके छिले थे उनको गर्म पानी हो चुका है, इसके अंदर डाल दूंगी। तो इस तरीके से मैं सभी को भगोने में डाल दूंगी और थोड़ा सा इसको हिला के इस तरीके छोड़ दूंगी। तो अब मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च स्वाद अनुसार। और छिलके हमारे पक चुके हैं। मैं गैस बंद कर दूंगी और इन्हें हल्के हाथ से इस तरीके से निकाल लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाएं। अब मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर मैं तेल रख दूँगी गर्म होने के लिए। अब तेल हमारा गर्म चुका है तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। इसको थोड़ा भूरा होने देंगे। अब मैंने जो पेस्ट बनाया था लहसुन और उसका प्याज का, तो इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से पकाएंगे। अब जो हमारे छिलके थे वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अब मैंने जो मसाला बनाया था वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये मिक्स हो चुका है, देखिए। अब मसाला हमारा तैयार है। मैं गैस बंद कर दूंगी। उसके बाद इसको नीचे उतार के इस तरीके से करेले में भर देंगे। ज़्यादा नहीं भरे, कम कम भर दें। तो अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से धागे से लपेट दूंगी। अगर ज़्यादा भरोगे तो ये ना बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने कम भरा है, इस तरीके से इसको बांध दिया है। तो मैं सारे करेलों में इस तरीके से भर लूँगी। तो मैंने इस तरीके से भर लिए हैं। तो मैं फिर से एक कढ़ाई में तेल डाल दूँगी, एक चम्मच। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसके अंदर थोड़े से प्याज का डाल देती हूँ। तो इनको थोड़ा भूरा होने तक पकाएंगे इस तरीके से। तो ये देखो भूरे हो चुके हैं। तो अब मैंने जो करेले भरे थे वो इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे, ताकि इसका मसाला जो है बाहर नहीं निकले। तो मैं इस तरीके से इसको हिला दूंगी और थोड़े से देर इस तरीके से रख दूंगी। तो बीच बीच में इसको हिलाते भी रहे ताकि ये चिपके नहीं। तो मैंने इसको इस तरीके से हिला दिया है। तो देखिए इनका कलर थोड़ा सा रेड रेड हो चुका है। तो हम इसको और पकाएंगे। तो देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए रेड हो चुके हैं बिल्कुल। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।